हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। किस देश का एक दो नहीं पूरे सात नाम है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम, पहली बार राज्य में दलित नेता चुने गए मुख्यमंत्री। जी हां, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान के साथ ही पंजाब में ऐसा पहली बार होगा जब कोई दलित नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने चल रहा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी की घोषणा करने के बाद कहा कि यह आलाकमान का फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, चन्नी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। सोना रखने के मामले में भारतीय महिलाओं के सामने कहीं नहीं टिकते अमेरिका चीन की महिलाएं, जानिए ये चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां, सोने के प्रति भारतीय महिलाओं का प्यार जग जाहिर है। हालांकि आपको शायद ही ये पता होगा कि इसी प्यार की वजह से भारतीय महिलाओं के पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की होल्डिंग है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक के पास रखा सोना भारतीय महिलाओं के पास रखे हुए सोने के सामने कहीं नहीं ठहरता। तो वहीं अगर सिर्फ भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक और दूसरे अन्य बैंक अपना गोल्ड रिजर्व मिला दें तो भी वो भारतीय महिलाओं के पास रखे सोने का 5% भी नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास दुनिया में अब तक निकाले गए सोने का 11% हिस्सा है। 2020 के लिए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय महिलाएं फिलहाल 21,733 टन सोने का मालिकाना हक रखती हैं, तो वहीं अब तक दुनिया में से 1,97,576 टन सोना खदानों से निकाला जा चुका है, यानी कि हर 100 टन सोने में से 11 टन भारतीय महिलाओं के पास है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के पास रखे हुए गोल्ड रिजर्व से करें तो कोई भी देश अकेला भारतीय महिलाओं को चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि अगर उन्हें मुकाबले में उतारना हो तो अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और खुद भारत को अपने सभी सरकारी बैंकों के सोने के साथ मैदान में आना होगा। हालांकि इसके बावजूद वो भारतीय महिलाओं को पार नहीं कर सकेंगे। सिद्धू के सलाहकार का निशाना, कहा अगर मेरे हाथ में होता तो कैप्टन को पार्टी से निकाल देता। जी हां, पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वे पार्टी के नेता होते तो अमरिंदर सिंह को पार्टी से हटा देते। उन्होंने दावा किया कि कैप्टन के निशाने पर सिद्धू नहीं बल्कि गांधी परिवार है। मुस्तफा ने कहा कि वो कैप्टन को गांधी परिवार को निशाना नहीं बनने देंगे। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू देशद्रोही नहीं है। अगर अब के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को देशद्रोही कहेंगे तो मैं पूरी किताब खोल दूंगा। कैप्टन के निशाने पर सिद्धू नहीं बल्कि गांधी परिवार है और मैं कैप्टन को गांधी परिवार को निशाना नहीं बनने दूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 5 साल से पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। इस पार्टी के लोग उन्हें पिछले 4.5 साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अगर मैं पार्टी का नेता होता तो 30 दिन में कैप्टन को पार्टी से हटा देता। महंगी होने वाली है हीरो मोटर कॉर्प, जानिए कितनी बढ़ेगी इनकी कीमतें। जी हां, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्प ने घोषणा की है कि वह 20 सितंबर से अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी ताकि बढ़ी हुई इनपुट कीमतों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम किया जा सके। हीरो मोटर कॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी 20 सितंबर 2021 से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगा। कंपनी ने कहा कि इनपुट लागतों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए इन कीमतों में बढ़ोतरी की जरूरत है। दोपहिया दिग्गज के अनुसार मॉडल और बाजार के आधार पर सटीक राशि के साथ बाइक और स्कूटर की पूरी सीरीज में मूल्य वृद्धि 3,000 रुपए तक की होगी। यह इस साल कंपनी की तीसरी कीमत वृद्धि होगी। कंपनी ने पहले जनवरी में अपने मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की कीमत में 1,500 रुपए और इस साल अप्रैल में फिर से 2,500 रुपए की बढ़ोतरी इनपुट लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए की थी।
मध्य प्रदेश के इस इलाके में घर घर पहुंचेगा राशन, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 89 आदिवासी ब्लॉकों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी है। इन ब्लॉकों में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से राशन की डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आदिवासी नेताओं को सम्मानित करने के लिए जबलपुर में गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से हम 89 आदिवासी ब्लॉकों में घर घर राशन वितरण शुरू करेंगे। आदिवासियों को अपना कामकाज छोड़कर राशन की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वितरण कार्य के लिए आदिवासियों के स्वामित्व वाले वाहन किराए पर लिए जाएंगे। यूपी सरकार का आदेश, अब विवाह समारोह में 50 की जगह 100 लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए प्रतिबंधों में छूट देते हुए आदेश पारित किया है और कहा है कि अब शादी समारोहों में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकते हैं। ये फैसला प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही कमी और रिकॉर्ड टीकाकरण को देखते हुए लिया गया है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर जरूर रखा जाए, इसी के साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले जारी किए गए आदेशों में दुकानों व रेस्टोरेंट के रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी। इसी के साथ ही कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाए। तालिबान का नया फरमान, शर्तों के आधार पर केवल इन महिलाओं को मिलेगी काम करने की मंजूरी, बाकी घरों में रहें कैद। जी हां, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतरिम मेयर ने कहा कि देश के नए तालिबान शासकों ने शहर की कई महिला कर्मचारियों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। अंतरिम मेयर हमदुल्ला नामोनी ने पत्रकारों से कहा कि केवल उन महिलाओं को काम करने की अनुमति दी गई है जिनके स्थान पर पुरुष काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इनमें डिजाइनर और इंजीनियरिंग विभागों में कुशल कामगारों के अलावा महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख करने वाली महिलाएं शामिल हैं। नामोनी की टिप्पणियां इस बारे में एक और संकेत है कि तालिबान सार्वजनिक जीवन में महिलाओं पर पाबंदियां लगाने समेत इस्लाम की कठोर व्याख्या को लागू कर रहा है, जबकि उसने सहिष्णुता और समावेशिता का वादा किया था। 1990 में शासन के दौरान तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को स्कूल जाने और नौकरी करने देने से रोक दिया था। कुछ ऐसा ही वो इस बार भी कर रहा है, चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का, महिलाओं पर एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा सरकार के कामकाज का ब्यौरा, कहा सभी वर्गों को मिला सरकारी योजना का लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सामने रखा। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र से हमें लगातार सहयोग मिला, जिससे कि हमने सभी योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू किया। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में यूपी की क्या दशा थी, ये किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी योजना का हाल क्या होता था, ये सभी आप जानते ही हैं। हमारी सरकार ने सभी वर्गों तक पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। आपदा के वक्त सरकार ने हर स्तर पर लोगों को सहायता पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। तेजस्वी और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर FIR का आदेश, 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का है मामला। जी हां, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ये आदेश दिया है। इस मामले में FIR करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने भेजा गया। मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का है। तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के CJM की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था, जिसमें संजीव कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया है। इसके बाद 16 सितंबर को पटना के SSP उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
उत्तराखंड चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 6 महीने में 1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान यहां पर उत्तराखंड चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उस बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता, तब तक हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। हमने कहा कि मुफ्त बिजली देंगे तो हम देंगे। इसी के साथ ही अगर हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक उस बेरोजगार को कहीं पर रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा। सरकारी और निजी में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। सीएम गहलोत ने कहा, उम्मीद है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आलाकमान को विधायकों और आम जन से मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे क्षणों में लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। गहलोत ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब एक दिन पहले अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा कि विधायकों की बार बार बैठक बुलाए जाने से उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया है, जिसके बाद ये कदम उठाया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा और दावा किया कि उनके पाकिस्तान से रिश्ते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने से पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों, झारखंड, दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों और विदर्भ और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, बिल गेट्स ने कहा था, सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।